नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार खेद की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? ठीक है, उसने कहा एक खेत है जो कि कैसा है, त्रिभुजाकार है, ए बी सी। ठीक है, जिसकी भुजाएं कितनी है, 20, 21 और 29 है। ठीक, तो इसमें हमें बताना है कि जो फसल काटने का खर्च होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है, 20 मीटर, बी बराबर 21 मीटर, सी बराबर 29 मीटर। ये तीनों हमने लिख ली। अब हम फिर निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस निकालते हैं। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ से 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो ए और बी और सी यानी 20 प्लस 21 प्लस 29 बटे 2, ये कितना हो जाएगा, 20, 40, 60 और 10, 70 बटे 2, 2 से काट देंगे यानी 35 निकल के आ गया। ठीक है, तो जो S S निकला है वो कितना निकला है, 35 निकला है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, रूट के अंदर S S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। S की वैल्यू है 35, तो यहां रखेंगे 35 माइनस ए, ए की वैल्यू है 20, पर 35 माइनस 21 और फिर 35 माइनस 29। ठीक है, हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा और सबकी वैल्यू रख दी। अब इसको माइनस कर ले रहे, ये तो 35 जीव का तू रहेगा, 35 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, यहां से 14 बचेगा और यहां से 6 बचेगा। ठीक है, हमने यहां पर कर लिया। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, 35 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 5, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5, 14 को लिखेंगे 2 गुणा 7 और 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3। यहां पर देखेंगे 7 से यहां जोड़ा बन रहा, 2 का यहां जोड़ा बन रहा, 3 का यहां जोड़ा बन रहा और 5 का यहां जोड़ा बन रहा, यानी कितना बाहर निकलेगा, 7 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा और 2 बाहर निकलेगा। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 7 ती 21, यानी 21 धम 210 वर्ग मीटर। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला वह कितना निकला, 210 वर्ग मीटर। ठीक है, हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फसल काटने का खर्च। काटने का खर्च कैसे निकलेगा, फसल काटने का खर्च जो क्षेत्रफल है उसमें प्रति वर्ग मीटर कितना लग रहा है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चार्ज लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपए उसका खर्च आएगा फसल काटने का। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना था, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था जो उसने हमें कहीं भी नहीं बोला था, लेकिन हमें जब फसल काटने का खर्च निकाला है तो हमें क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने क्षेत्रफल पहले निकाला, फिर फसल काटने का खर्च हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।